दोस्तों वेलकम टू पाक इन्फो पोर्टल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ज़ोंग की दो इंटरनेट डिवाइसेस, जो कि एक फाइबर होम की तरफ से आती है जबकि दूसरी हुआवे की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सब दोनों डिवाइसेस मेरे पास हैं। फाइबर होम की डिवाइस मेरे पास कुछ ऐसा पहले से मौजूद है, तो हम ओपन करते हैं सबसे पहले फाइबर होम की डिवाइस को। इसके ऊपर ज़ोंग 4G वोल्ट प्लस लिखा हुआ है और इसका एक पावर बटन है। अब इस डिवाइस में मेन डिफरेंस ये है कि इसकी एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको ज़ोंग इंटरनेट की सिग्नल्स वगैरह, बैटरी की इंफॉर्मेशन, अगर कोई मैसेज है आपके पास उसका नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा 1-2। और इसके बाद ये है कि इसके आपने कितना डेटा यूज़ कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ इंक्लूडेड जो चार्जिंग केबल है वो कुछ ये है, और इसके साथ कुछ ये पेपर वर्क के साथ आया था जो हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा, ये केबल है हमारी हुआवे की डिवाइस की। अब हम हुआवे की डिवाइस को ओपन करते हैं। हुआवे की डिवाइस को आप ओपन करें, बड़ी आसान सी सिंपल सी डिवाइस है। इसके ऊपर सिर्फ दो इंडिकेटर्स हैं, एक बैटरी का और एक वाईफाई का। इसके अलावा इसमें जो है वो कोई इंडिकेटर नहीं है। और इस फाइबर होम में जैसे आपको पता है कि इसमें आपके पास जो है वो स्क्रीन है जो जिसमें आपके पास थोड़ी सी सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है और आपके पास बैटरी की परसेंटेज आ रही है, ओवरव्यू सा आपको मिल जाता है यहाँ पे, जबकि हुआवे की डिवाइस में ये आपको नहीं मिलता। वो सेम ही जो है वो बैक के ऊपर आपको कुछ स्पेक्स या रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो गाइडलाइन है, फीचर्स हैं, सेम ही हैं। कोई उस तरह से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। केबल में की बात करें तो हुआवे के साथ थोड़ी बेहतर केबल आई है। अब आप इन दोनों का एक साथ में रिव्यू भी देख लें। ये आप अपने डिवाइस को उसके बॉक्स के साथ देख सकते हैं। वोल्ट प्लस ये बॉक्स है फाइबर होम का और पेपर वर्क इंक्लूडेड है दोनों में। हुआवे का बॉक्स जो है वो आपके आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, जबकि राइट पे आपके पास फाइबर होम का बॉक्स है। और मैंने जो है दोनों की चार्जिंग केबल साथ रखती है। फाइबर होम की चार्जिंग केबल थोड़ी सी यूज़ भी ज़्यादा हुई है, वैसे क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ज़रूर लेंथ जो है वो उसकी ज़्यादा है फाइबर होम की केबल की। अब हम अगर इसे ओपन करते हैं फाइबर होम को और चेक करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी, तो आपको आप देख सकते हैं कि फाइबर होम की बैटरी कैपेसिटी 2100 mAh है, जबकि अगर हम ओपन करते हैं हुआवे की बैटरी हम देखते हैं तो हुआवे की बैटरी जो है वो 1500 mAh है, जिसका ये मतलब है कि हुआवे की बैटरी 600 mAh फाइबर होम की बैटरी से कम है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको बैटरी टाइमिंग में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि जो फाइबर होम की आपकी डिवाइस है उसमें एक स्क्रीन है जिसे पावर ऑन होना होता है, तो जाहिर है उसने भी बैटरी को कंज्यूम करना है। अगर डिफरेंस होगा भी तो बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस होगा। जहाँ तक आपके इस्तेमाल की बात है, यूजेज में कोई भी डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे। और आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते और कोई नई चीज़ को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप आराम से हुआवे डिवाइस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नई डिवाइस और स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद है तो आप भले फाइबर होम डिवाइस के साथ जा सकते हैं। तो आज का रिव्यू हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।